देखिए, जैसा आपको विदित है, यहाँ लगातार विगत 5 दिन से रुक रुक बारिश हो रही है। और हम लोग कल की बात करें, कल दिन में और रात में तो बारिश लगातार रही है। और कुछ क्षेत्र जो है हमारे यहाँ, वहाँ पे बारिश की का वेग तेज रहा और औसत से ज़्यादा हमें खटीमा और सितारगंज एरिया में बारिश जो है वो मिली है। साथ ही हमारे पूरे जनपद में आज लगातार बारिश जो है उसको 4 घंटे हो गए हैं, तो उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। हमारी सारी टीमें जो हैं SDRF की और NDRF की टीमें हैं, जिसमें 2 NDRF की टीमें हैं, 3 SDRF की टीमें अभी कार्य रेस्क्यू का काम कर रही हैं। खटीमा में जहाँ जहाँ बाढ़ की स्थिति है, वहाँ पर अभी जो हमारी रेस्क्यू की टीमें हैं वहाँ पर लगी हुई हैं। स्थानीय प्रशासन भी लगा हुआ है, हमारी बाढ़ चौकियाँ एक्टिव हैं अभी। यहाँ DEOC में हमारे सारे टोल फ्री नंबर्स और कंट्रोल रूम के नंबर सारे एक्टिव हैं। राशन की व्यवस्था की गई है, सारे जो शेल्टर होम्स हैं उनको एक्टिवेट किया गया है। कोई निराश्रित पशु ना फंसे उसके लिए भी तैयारियां की गई हैं। पेयजल, खाद्यान्न सबकी व्यवस्था है। और हमारे सारे उच्च अधिकारी जो हमें आप लोगों के माध्यम से, यहाँ पे कंप्लेंट्स के माध्यम से और मौसम विभाग के माध्यम से जो जो क्रिटिकल एरियाज और जोन, रेड जोन हमें फ्लैग हो रहे हैं, उन सभी पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और सारे उच्च अधिकारी भी लगातार स्थानीय प्रशासन जो है लोगों के संपर्क में है। लोगों को अधिक से अधिक रेस्क्यू किया जा रहा है। जो लो लाइंग और फ्लड प्रोन जोन है उसमें हमारे SDMs जो हैं और नगर प्रशासन की टीम अनाउंसमेंट भी कर रही है, लोगों को निकाल भी रही है। और कुछ जगहों से हमने निकाल करके शेल्टर होम्स में भी अभी लोगों को पहुँचाया है और ये कार्रवाई अनवरत चल रही है। इसमें अभी तक जो हमारे पास अंतिम सूचना आई है, ये लगभग 65 स्थान है हमारे पास, 22 स्थान है, 22 स्थान पर हमारी टीम लगी हुई है। और इन सभी जगहों से लोग, जो लो लाइंग एरिया जैसे हमने बताया है, फ्लड प्रोन एरिया है, वहाँ से लोगों को निकाला गया है। इसमें लोहिया हेड हो गया आपका, वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 6, गंगी ग्राम पुलिस चौकी, पेट्रोल पंप, न्यू विज्ञान आश्रम, पंचमुख हनुमान मंदिर वार्ड नंबर 19, ये सारे एरियाज हैं जो लो लाइंग एरियाज हैं। तो इन सभी जगहों से लोगों को निकाला जा रहा है। और इसमें जो लोग अभी फंसे हुए हैं उनको भी हम लोग हटा निकालने की कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, बारिश यहाँ जैसी भौगोलिक परिस्थिति बात करें ऊधम सिंह नगर की, तो इसकी भौगोलिक परिस्थिति समझनी होगी। पहला तो यहाँ जो वाटर लेवल है वो ऊपर है, सरफेस फ्लो यहाँ ज़्यादा है। और अभी क्या हो रहा है, नदियाँ जो पहाड़ से पानी लेकर के आ रही हैं, जिनका वाटर शेड पहाड़ है, वहाँ से भी फ्लो है। यहाँ हमारे जो बारिश पड़ रही है उसका फ्लो भी है और जो वाटर टेबल ऊपर है, तीनों चीज़ें मिल करके एक ऐसी परिस्थिति बनाती है कि जो बारिश हमारे यहाँ हो रही है उसका नीचे रिसाव न होकर सरफेस पर फ्लो है। तो बारिश जैसे ही धीमी होगी, उसकी गति धीमी होगी, ये जो वाटर लॉक अभी आप देख रहे हैं ये चीज़ें कम हो जाएंगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ NDRF, SDRF और सारा जिला प्रशासन लगा हुआ है, राशन और अन्य सारी व्यवस्थाएँ हमने की हुई हैं, तो उसको हम लोग करेंगे। इससे पहले भी आपने देखा होगा अतिक्रमण पर काफ़ी काम भी किया गया था, जो लो लाइंग एरिया जहाँ पे अतिक्रमण करके कार्य किए गए थे उनको भी वार्निंग और उनको भी हटाने की पूरी कार्रवाई की गई है।